पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा निकालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और वैश्विक महामारी कोरोना से मौतों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली निकाली। भारत माता मंदिर से निकली रैली में हजारों की संख्या में शामिल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जन आक्रोश रैली के माध्यम से बूथ स्तर तक पहुंचेंगे। देखिए, सरकार की विफलता, महंगाई, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से कोरोना काल में सरकार ने लोगों को मारा है बिना दवाई के, बिना ऑक्सीजन के, बिना इलाज के, वहाँ जनता जो है अपने अंदर आक्रोश रख करके बैठी हुई है। आज हम उनको जगाने आए हैं कि आप घरों से निकलिए और इस सरकार के खिलाफ जो आक्रोश आपके अंदर है वो सड़क पे ले आइए। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, महंगाई, व्याप्त भ्रष्टाचारी, बेरोजगार, किसानों के ऊपर थोपे गए काले कानून, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल और सिलेंडर जो बेतहाशा मूल्य वृद्धि है और बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारत माता मंदिर से जन आक्रोश यात्रा हम लोग निकाल कर लहरतारा तक पहुँचेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 4.5 साल के सरकार में जिस तरीके से उनके कार्य व्यवहार से, उनके नीतियों से आम जनता करा रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब जनता के द्वार पहुंचने का काम करेंगे, जनता की परेशानियों को, मूलभूत परेशानियों को समझने का काम करेंगे।